28 mm, 29 mm, 14 mm, 7-8 mm, 9 पत्थरियां दीजिए। 9? हाँ जी। मेरे 6 पत्थरी दीजिए। 6 पत्थरी? हाँ जी। 30-30, 28-28 mm की। क्या गुर्दे में थी? गुर्दे में और पेशाब की थैली में। अच्छा। मैं बिल्कुल ठीक हो जाए डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से। कोई बोला गोड्डा बदलाना पड़ेगा। अच्छा। तेरे गोड्डे बिल्कुल जवाब दे गए थे। अच्छा। चलने फिरने में मुश्किल थी। अच्छा। तो यहाँ से लाइव देखा मैंने इनका और दवाई ली है, बिल्कुल ओके है जी। अब मेरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल आपको लेके आया हूँ ऐसे दवाखाना में, शफीदों में। बस स्टैंड से रामपुरा रोड पर सिर्फ आधा किलोमीटर चलते ही, 500 मीटर चलते ही देसवाल दवाखाना। और इसमें वैद्य जी हैं भाई जोगिंद्र सिंह देसवाल। और किन किन दवाइयों बीमारियों की दवाइयां देते हैं, किन किन बीमारियों का सफल इलाज करते हैं, 30 साल से लगातार आयुर्वेद की दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। 30 साल हो गए लगातार इनको अपने शोध कार्य पे करते हुए, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों द्वारा बहुत ही गंभीर गंभीर रोगों का इलाज करते हैं। और हमने सुना तो हम भाई काफ़ी दिन से इधर थोड़ा दूर पड़ता है, आने की सोच रहे थे, आज आए हैं। तो आज मैं काफ़ी मरीज बैठे, सभी मरीजों से ही बात कराऊँगा क्या सही औषधियाँ देते हैं, क्यों किस किस बीमारियों के लोग यहाँ पर ठीक होते हैं, क्या को किसी तरह की लूट खसूट तो नहीं है। हम उन वैद्यों के पास जाते हैं जो वास्तव में सही काम कर रहे हैं, आयुर्वेद के ऊपर शोध कर रहे हैं, आयुर्वेद की दवाइयों द्वारा रोगों का, असाध्य रोगों का इलाज कर रहे हैं। हम ऐसे वैद्यों के पास जाते हैं। और हमारे लोक प्रसार हरियाणा चैनल पर आप वीडियो देखेंगे तो सभी ऐसी वीडियो मिलेंगी। तो आज देसवाल साहब के पास आए हैं, जोगिंदर जी के पास, और सभी मरीज बैठे। मैं यहीं से बाहर से बात करवानी शुरू करूंगा। और भाई एक बार मैं आइए कैमरामैन से कहूंगा, ये दिखाएं, देखिए ये हैं जड़ी बूटियां सारी, इनका केक के नाम से मैं तो जानता नहीं, लेकिन वैद्य जी ने पूछेंगे किन किन जड़ी बूटियां का केक के नाम से के काम आओ, कौन सी बीमारी में काम आओ, सारी चीज़ें का आपके बारे में पूछ के बताऊँगा। हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं। और भाई जितनी दूर तक जनता बैठी है और बाहर बैठे हैं, सभी से बात कराऊंगा मैं आपकी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी। कहाँ से हैं आप? उरलाना खुर्द जी। उरलाना खुर्द से। हाँ जी। आप कहाँ से हैं? मैं तो करनाला से हूँ। करनाला से। तो आप यहाँ किस लिए, किस बीमारी के लिए दवाई ले रहे हैं? सब बीमारियों की दवाई खैर खे जी हमने सब। हाँ, गठिया बा की, बासिर की, गुमड़ी की, पथरी की, अरे रसोड़ी की, सब आराम हो रहा, गोड्डे के दर्द की। तेरे थी सारी बीमारी? नहीं, परिवार में सब का, रिश्तेदारी में भी। अच्छा। हाँ, कहीं तो यहीं से लेते हो दवाई? यहीं से लेते हैं जी। तो ये सही देवा दवाई? बिल्कुल जमा, बिल्कुल एकदम एकदम। हाँ। इनके रिश्तेदारी में नहीं हो? नहीं जी, जान पहचान के? नहीं जी, हम तो मतलब सैंसी राजपूत आयो जाट है। अच्छा। उरलाना कोई नहीं बच रहा दवाई दे बिना। अच्छा। सब ने दवाई ले रखी उरलाने से, रही करता यो। आप जी? मैं पहली बार आई। पहली बार आए हैं आप भी सर? पहली बार आए जी, मैं इनके साथ ही। क्या तकलीफ है आपको? मेरा घुटने में भी दर्द है, ये डिस्क की प्रॉब्लम है, नस में दिक्कत है। कितने साल से? मेरा हो गया 8-9 साल से। 8-9 साल? तो अभी दवाई नहीं ली आपने? चलो, आप जी कहाँ से हैं? तो कैथल से। कैथल से? क्या समस्या है आपके? घुटने में दर्द है। कितने साल से? बस ये बुखार आ रहा था, मैंने 8-9 महीने हो गए बुखार में आता। पहली बार आए, दवाई ले गए? ले गया, दो तीन बार ले गए। क्यों फर्क पड़े है? आराम। कितना आराम हुआ है? आराम है चौथा, तीसरा। तीसरा, चौथा, आधा देख ले, भी सोच ले एक बार। सोच लिया। सोच लिया, सोच लिया। चौथा ही आराम है, चौथा मान लिया। सब तो बात करावा, किसका आराम हुआ है, किसके नहीं हुआ है, टोटली बात करावांगे। लोक प्रसार हरियाणा कोई झूठ की बात नहीं करता भाई, हमेशा जो मरीज कहते हैं वो बातें मानते हैं, वैद्य डॉक्टर की हम बिल्कुल नहीं मानते। वैद्य डॉक्टर की वो बातें मानते हैं जो सही है, जायज है। आप कहाँ से हैं सर? मैं प्रभुवाड़ा गांव जी कुलाना मंडी के पास। अच्छा, काफ़ी दूर से आ रहे हैं आप भी? हाँ जी। अच्छा। और पिछले 3 महीने से मैंने दवाई ली है। अच्छा। मेरे गोड्डे बिल्कुल जवाब दे गए थे। अच्छा। चलने फिरने में मुश्किल थी। अच्छा। तो यहाँ से लाइव देखा मैंने इनका। हाँ जी। और दवाई ली है। हाँ, बिल्कुल ओके है जी, अब मेरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। 3 महीने खाई दवाई? हाँ जी, 3 महीने का स्टेटमेंट मेरा पूरा हो चुका है। अच्छा। हाँ, कितनी साल थी समस्या ये? समस्या जी मेरे पिछले 5-6 साल से थी। अच्छा। और ये जो था, कोई बोला गोड्डा बदलाना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ से दवाई लेने के बाद में अब मेरा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, बिल्कुल ओके है सर। बिल्कुल ओके? बिल्कुल। चलो, बहुत बढ़िया। नाम क्या आपका? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह। चलो जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांव दरियापुर से हूँ जी। हैं? गांव दरियापुर। दरियापुर कहाँ पे पड़ता है? ये रिया जो बुलाने के पास। अच्छा 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 अच्छा
आपके क्या समस्या थी? मेरा समस्या पहले पथरी हुई थी 10 साल पहले। 10 साल पहले? हाँ जी, पहले उड़ाने थी इसकी दुकान। अच्छा। वहाँ मैं इसके पास 2 बार दवाई ली, दोनों में ठीक हो गया था। अच्छा। फिर मैंने 20-25 आदमियों से दवाई अपने रिश्तेदारों से भी। अच्छा। हर गांव से भी। अच्छा। अब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हाँ, मैं एक दवाई और लेने आया था। फिर पथरी कहाँ थी? गुर्दे में थी या पित्त की थैली में? गुर्दे में भी थी जी, पथरी पित्त की थैली में जी, सारी ठीक है। सारी ठीक करे? हाँ जी। अच्छा, कभी? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आपको क्या समस्या है जी? मैं रमेश कुमार पाजू कला से जी। अच्छा जी। मेरे पापा जी को 9 पथरियाँ थी जी गुर्दे में। अच्छा। अब डॉक्टर साहब से दवाई लेके गया था, अब 6 तो निकल गई सर। कितने दिन में निकली 6? ये 20-25 दिन हो गए जी। अब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया है सर। अच्छा अच्छा। तो अब 3 रह गई जी। अब 3 रह रही। अब डॉक्टर साहब बोले एक बार और दवा ले जाओ। अच्छा। ठीक हो जाएंगी। क्या बात है। कितने एमएम की थी पता है? 28 एमएम, 29 एमएम, 14 एमएम। अच्छा। 7-8 एमएम। 9 पथरियाँ थी जी। 9? हाँ जी। 6 निकल गई? 6 निकल गई। आप दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया? बढ़िया दे इसका मतलब दवाई। हाँ जी, अब एक बार और लेनी है सर। बोल देखिए, तेरी वीडियो देखने तो लोग पथरी की दवाई लेना होंगे, और यार नहीं निकलेगी तो तन्नर मन्ने दोनों कुटेंगे। ना 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 ना, मैं तो हकीकत बोल रहा हूँ जी। अच्छा, जो सच्चाई है। बहुत बढ़िया। राम राम जी, आप कहाँ से हैं सर? पानीपत से जी। पानीपत से। आपको क्या समस्या है? शुगर की थी। शुगर? हाँ जी। कितनी रहती थी? 250-300 रहती थी जी। यहाँ से दवाई ली आपने? यहाँ से दवाई ली जी। कितने दिन की दवाई? पहले एक बिन्ने की दी थी जी। अच्छा। फिर ये बोले 2 बिन्ने खानी पड़ेगी। अच्छा। एक बिन्ने में ही मेरे को आराम आ गया था। कितनी आएगी शुगर? 140-150। अच्छा। हाँ जी। कितनी रहती है? 2 बिन्ने खाई मैंने। अच्छा। अब नॉर्मल रहती है जी। नॉर्मल रहती है। 2 बिन्ने से मैं टेस्ट करा रहा हूँ बगैर दवाई के, नॉर्मल है। और मिठाई भी खाता हूँ इच्छा अनुसार जैसा भी है। अच्छा। हाँ जी, धन्यवाद। आप जी कहाँ से? मैं हिसार से हूँ जी। हिसार से? हाँ जी, हिसार से। आपके क्या समस्या है? मेरे लग में दिक्कत है जी। कितने दिन से? मेरे है तो जी 4 साल से पहले। अच्छा। अब बोलने में दिक्कत थोड़ी सी कम है, मतलब ठीक है लगभग। कितने दिन की दवाई खाई आपने? 2 महीने की दवाई जी। 1 महीने की दवाई में इतना फर्क पड़ गया? इतना फर्क है जी। पहले दवाई नहीं करता लेकिन आराम बिल्कुल है जी। बिल्कुल आराम? बिल्कुल आराम। अच्छा। अब बोलने में थोड़ी दिक्कत है। मालिश मुलिश भी करे है? दवाई लेता हूँ, मालिश भी करता हूँ। अच्छा। हाँ जी। वाह जी, बहुत बढ़िया। तो देख लीजिए भाई, लकवे का मरीज भी 1 महीने की दवाई से 70-80% ठीक है। आप कहाँ से अंकल? उरलाना से। उरलाना से? उरलाना। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके क्या समस्या थी? मेरे 6 पथरी थी जी। 6 पथरी? हाँ जी। 30-30, 28-28 एमएम की। क्या गुर्दे में थी? गुर्दे में और पेशाब की थैली में। अच्छा। मैं बिल्कुल ठीक हो जा रही डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से। तो मेरी माता जी का बाह का दर्द था बहुत ज़्यादा। अच्छा। मेरी माता जी भी 2 महीने में ठीक हो गई थी। अच्छा। हाँ जी। पथरी कितने दिन में निकली? पथरी मेरी तो सारी 1 महीने में खत्म हो गई थी जी। अच्छा। हाँ जी। वो रिपोर्ट करवा ली? रिपोर्ट करवाई ली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी। मेरा बार बार पेशाब नहीं उतरा था। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं उतरा था एक बूंद भी। तो मैं तो इस डॉक्टर साहब का धन्यवाद मानूँ। तो इसकी गद्दी और बढ़ावा भगवान करे, ते भारत माता की जय जयकार। क्या बात। नाम क्या आपका? मेरा पूर्ण सिंह जी। पूर्ण सिंह, वाह जी, पूर्ण काम हो गया आपका, बहुत बढ़िया जी। सर आप कहाँ से? दरियापुर से। दरियापुर से। हाँ जी। आपका क्या समस्या है? लड़की आई थी दवाई लेने, उन्हें लिया था, वह दर्द था। अच्छा। 1 हफ्ते की दवाई दी थी, उसमें ठीक हो गया। ठीक हो गया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा। क्या क्या दर्द था? नाइट में तो गर्दन में था ज़्यादा। तो अच्छा, गर्दन में ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी आप कहाँ से? मेरा गांव पोपड़ा जी, डिस्ट्रिक्ट करनाल जी। अच्छा जी। तो आप यहाँ पहली बार आए कि दवाई लेने? नहीं जी, पहली बार कई बार आए जी। किस चीज़ की दवाई लेने? मेरे एक भाई था जी, मेरा ताऊ का लड़का, उन्होंने पथरी थी उनका। अच्छा। उनको दवाई दिलवा के ले गया था जी, उनकी मतलब 1 हफ्ते के अंदर पथरी निकल गई जी। पक्की का वो? हाँ जी हाँ जी। कितने एमएम की पथरी थी? वो थी 8-8 एमएम की जी। 8 एमएम? हाँ जी। पथरी निकल भी गई, और उन्होंने तो जो पैसे भी यहाँ से ले गया था, वो पड़ोसी को दे दी, वो दाम भी पूरे कर लिए जी। अच्छा। हाँ जी, उसने तो दवाई पड़ोसी दे दी, दे दी। जो बची हुई थी ना वो पड़ोसी दे दी, वो दाम भी पूरे कर लिए जो यहाँ से ले। वैद्य भी बन गया खुद? वैद्य 200 रुपया में उसकी निकल गई जी, और 800 रुपये में दूसरे को दे दी जी। क्या बात है जी। बात है, बहुत बढ़िया। अच्छी देते हैं? हाँ। फिर मैंने पता चला जी यहाँ, फिर मैं अपनी मिसिज को ले आया यहाँ पे। इनको क्या समस्या है? इनको जी शरीर का। नमस्कार। 90 किलो वेट? 90 किलो वेट? हाँ जी। चोखा जुगाड़ कर रखा था जी जी। अच्छा। तो भी यहाँ कम हो गया वेट? हाँ जी। कितना आ गया? 10 किलो जी। 10 किलो कम हो गया वेट? कितने दिन में कम हो गया? बैठ सकूँ कि मैं आपके दौड़ सी? कितने दिन में कम हो गया 10 किलो? 2-2.5 महीने हो गए जी। 2-2.5 महीने में 10 किलो वेट कम हो गया। तो क्या रोटी राटी छुटवाई किस तरह? नहीं जी, कुछ नहीं छुटवाया जी। तो चाय रोटी कुछ नहीं छुटवाई जी ना?
बस दवा ही लई है मैंने दो टाइम। अच्छा जो दूध में भी दही है ना पानी में भी गर्म पानी में भी। अच्छा तो बिल्कुल ठीक हो गए। 8-10 किलो वेट टूट गया जी। क्या बात। और वेट टूटने के बाद फिर उसके बाद एक कब्ज की दवाई और लेनी है जी। अच्छा। आज कब्ज की दवाई लेने आए जी हम। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ आस पास तो मान्य हुआ वैद्य। हाँ जी हाँ जी। और तो पैसे पासे तो ज्यादा नहीं ले है। नहीं क्या जी पैसे नॉर्मल जी नॉर्मल। हाँ नॉर्मल पैसे जी। देखो औषधियों के पैसे तो लेने पड़ते हैं भाई बिना तो खाएगा क्या औषधि लाएगा कहाँ से। देसी दवाई है जी। कूट पीट के तैयार करे देखो उनके तो पैसे लगेंगे। सही बात सही जी। चलो भाई तो ये इतने मरीजों से बात कराई मरीज बाहर भी और बहुत हैं उनसे भी बात कराऊंगा आपकी वैद्य जी से भी आपको वो बातें पूछ के बताऊंगा कितने पैसे ले हैं किस बीमारी का इलाज कितने दिन में होता है और उतने दिन के कितने पैसे लिए जाते हैं कैसी औषधियाँ दी जाती हैं क्या गारंटी है किस तरह की सारी बात टोटली पूछ के आपको एक एक बात आपको बताऊंगा। वीडियो को लगातार देखते रहें और लोक प्रसार हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए मैं अभी वैद्य जी से बात कराता हूँ आपकी।